Assalamu alaikum. Hey, what's up, guys? This is Farooq, and welcome back to Farooq Ahmed Vlog. Hope you guys are all doing awesome. So, guys, I'm at the LAX airport. लॉस एंजलिस के अंदर हूँ. पबजी मोबाइल का स्पेशल इवेंट हुआ था. एंगस की जो स्किन है वो लॉन्च हुई थी पबजी मोबाइल के अंदर. वो तो उस स्पेशल इवेंट के लिए मैं यहाँ पे आया था. एंगस के साथ हम लोग मिले भी थे. उसके साथ से डॉन जो था वो लड़का जो कि रैपर है उसके साथ भी हम लोग मिले थे. लेकिन आइडिया ये है यहाँ पे आज इस वीडियो बनाने का मकसद कि हर्ष भाई जो है वो मिथिक लॉबी के लिए कम्पीट कर रहे थे. तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है वो प्राइवेट प्लेन चाहिए. तो मैंने कहा ओके, मैं प्राइवेट प्लेन जो है वो सेंड कर दूंगा. लेकिन आपके भाई का जो सेंड करने का तरीका है इज ऑलवेज अ डिफरेंट. सो आइडिया ये है कि मैं यहाँ पे LAX एयरपोर्ट के ऊपर हूँ. यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांजिट हॉल के अंदर हूँ. तो हमने क्या करना है कि सामने हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो रनवे हैं. आप लोग देख सकते हैं एक प्लेन जो है वो डिपार्चर कर रहा है, एक जो है वो अराइवल कर रहा है. तो जितने प्लेन यहाँ से सामने से डिपार्चर या लैंड करेंगे हम उतने नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर जो है वो हर्ष भाई को प्राइवेट जेट 10,000 UC ईच का है वो हम सेंड करेंगे. तो क्या बोलते हो गाइस, लेट्स गेट दिस क्रेजी आइडिया स्टार्टेड. सो आप लोग देख सकते हैं कि अभी एक लैंड हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया. नेक्स्ट 10 मिनट में कितने प्लेन जो हैं वो लैंड होते हैं या डिपार्चर होते हैं उतने प्लेन हम जो है वो हर्ष भाई को सेंड करेंगे. तो लेट्स हॉप इन द गेम एंड लेट्स गेट दिस क्रेजी आइडिया स्टार्टेड. ओके गाइस, तो यहाँ पे हम जो है वो गेम के अंदर आ गए हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष भाई यहाँ पे गेम के अंदर हैं, तो इनको सीधा सीधा जो है वो इन्वाइट मारते हैं. हाँ जी हर्ष भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ. बस बढ़िया. हर्ष भाई देखो, आपने बोला था आप मिथिक लॉबी के लिए कम्पीट कर रहे हो और आपको प्लेन चाहिए. तो मैंने कहा प्लेन तो मैं सेंड करूंगा, लेकिन आपके भाई का जो आइडिया हमेशा जो है ना वो जॉड आइडिया होता है. सही है? तो मैं लॉस एंजलिस आया हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अभी मेरी वापसी की फ्लाइट जो है थोड़ा सा टाइम है. तो मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूँ. मैंने कहा वाई नॉट अगले 10 मिनट में मेरे सामने दो रनवे हैं, ठीक है. जो भी प्लेन लैंड करेगा या जो भी प्लेन फ्लाई आउट करेगा, ठीक है, एक प्लेन जो भी प्लेन आएगा उसका नेम लिख के मैं आपको एक प्राइवेट प्लेन सेंड करूंगा. क्या बोलते हैं? सही है, मजा आ जाएगा. मजा चस आ गया, चस आ जाएगी. चले जी, मैं साथ साथ जो है वो वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरे फोन से. लेट्स सी, टाइम स्टार्ट करते हैं अभी. अगर तो छोटा प्लेन हुआ तो 1000 UC वाला, अगर नॉर्मल प्लेन हुआ तो 10,000 UC वाला आपको प्लेन सेंड करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नो कि हमारे पास कितने प्लेन यहाँ पे अगले 10 मिनट में जो है वो लैंड होते हैं या जो है वो डिपार्चर होते हैं. और सुना है हर्ष भाई, आपका नंबर क्या चल रहा है? मेरा नंबर 1. ओह जॉर्ड, सही है. हमारे इधर लगे हुए. मेरा नंबर 3 हो गया 2 से ना, एक नीचे से कोई इशारा आया. मेरे को क्या बात कर रहे हो, सीरियसली मेरा नीचे से कोई इशारा आया. कितना पॉप चाहिए? मैं अभी रुक जाए, मैं हम करेंगे आराम से, कल स्ट्रीम करेंगे, कल सैटरडे वाले दिन आराम से. देखो उधर थोड़ी ना सिर्फ USA से प्लेन उड़ेंगे, इधर हमारे गुजरात से भी उड़ेंगे. ओके, हमारे पास यहाँ पे प्लेन आया है, ये कौन सा है? ओके गाइस, ये है डेल्टा एयरलाइन. सो सबसे पहला हर्ष भाई को जाएगा डेल्टा के नेम से. डेल्टा एयरलाइन प्लेन नंबर 1, लेट्स गो. सही है हर्ष भाई, क्रेजी आइडिया, यकीन करें. चलो जल्दी प्लेन ले लो, जाओ जल्दी ज्यादा प्लेन ले लो. ये अब आ रहा है, शुरू हो गया ना, अब लाइन से आएंगे. ओके, वी हैव अ स्मॉल प्लेन. जी जी, अब ये है छोटा प्लेन है, तो इसके मुताबिक मैं सिर्फ सेंड करूंगा आपको 1000 UC वाला. सही है ना? लेट्स गो. चले जी, दूसरे मिनट में हमारे पास दूसरा छोटा प्लेन लैंड हुआ है. पता नहीं हर्ष भाई, ये आपकी किस्मत, आप देख लें, प्लेन लैंड ही नहीं हो रहे. ये मेरी किस्मत नहीं, आपकी अच्छी है. आपकी अच्छी है भाई. नहीं नहीं, अच्छी इसमें सही नहीं, कोई नहीं है. मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्लेन लैंड हो, ताकि आप भी मुझे बाद में इतनी सेंड कर सके. तो समझ रहे हैं ना? मेरे इधर से कितनी फ्लाइटें उड़ती है उसके ऊपर होगा. आपने कौन सा एयरपोर्ट पे जाके मेरे जैसा क्रेजी आइडिया आप कहाँ से लेके आएंगे? हर्ष भाई बड़ा प्लेन, एक जो है वो डिपार्चर होने वाला है. लेट्स सी हमारे पास गाइज, यहाँ पे अगर चेक करें आप लोग, ये प्लेन जो है ये डिपार्चर के लिए निकल रहा है. डेल्टा एयरलाइन ये भी है
और इसका नंबर है N311DN। इसका नंबर ये तो बिल्कुल पास है, ये तो हम देख भी सकते हैं ना यहाँ पे। ये जैसे निकलेगा, निकलने के बाद हम चलेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम जिस जगह पे हूँ ना, तो यहाँ पे ये डेल्टा एयरलाइन का पूरा ये वाला टर्मिनल है ना, तो इस वजह से ज्यादा की ज्यादा एयरलाइन जो है वो डेल्टा एयरलाइन यहाँ से निकलेंगी। आज मैं शेयर खरीदूंगा डेल्टा एयरलाइन के। डेल्टा एयरलाइन भी लाइक ओके दे दो को तो हम भी ले लेंगे। ओके मुझे एक और प्लेन नजर आ रहा है, वो भी डिपार्चर हो रहा है। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 राइट से उतर रहे हैं, लेफ्ट से डिपार्चर हो रहे हैं। ये मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस 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 ये देखे भाई, मुझे लगता है कॉपी ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं हर दफा लिख रहा हूँ, सही है ना। जिधर से लैंड होने से उधर से डिपार्चर होना, मुझे ऐसा लग रहा है हवा का रुख चेंज हुआ है, एक और प्लेन आ रहा है। अब लेट्स सी ये कौन से वाला आ रहा है। ओ ओ ओ अमेरिकन एयरलाइन लैंड हुआ, अमेरिकन एयरलाइन लैंड हुआ, लेट्स गो गाइस। आप लोगों ने देखा वो सामने अमेरिकन एयरलाइन, हमारे पास सामने एक और प्लेन लैंड हुआ है। चलो ये वाला पहले सेंड करते हैं, नंबर 4 राइट, लेट्स गो। और उसके बाद हमारे पास है अनदर वन अमेरिकन एयरलाइन, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओके जहाज ज्यादा जाना शुरू हो गया था, नंबर मैं नहीं लिख रहा हर्ष भाई, मैं सीधा सेंड कर रहा हूँ। The next one is Southwest. Next one is Southwest. Let's go the Southwest. और हमारे पास एक और प्लेन है, let's go. हरीश भाई लेट्स सी 10 मिनट में आपकी कितनी किस्मत जो है वो जागती है। इमेजिन करो आपकी कोई लॉबी खोल के देखे वो के ये तो कि कभी डेल्टा लिख रहे, कभी अमेरिकन एयरलाइन लिख रहे, क्या हुआ क्या इनको। अनलेस के आवाम देखेगी कि इन्होंने वीडियो क्या बनाई है, उसके बाद ही आवाम कुछ कह सकती है। लेट्स गो, हमारे पास डेल्टा एयरलाइन जो अभी हमारा यहाँ पे डिपार्चर होने के लिए खड़ा हुआ था, ये डिपार्चर के लिए जा रहा है, तो Let's go. चले लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा आता है। गाइस हमारे पास यहाँ पे एक और प्राइवेट जेट छोटा जो है वो लैंड हुआ है, तो लेट्स गो। प्राइवेट जेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। लेट्स सी हमारे पास नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा है। बस हमारा ये प्राइवेट जेट साइड पे लगाओ, ड्राइवर को दिया था हमें तेल जो है ना जाया करने के लिए उड़ा के फिर। गाइस लेट्स सी हमारे पास अभी जो है वो 2 मिनट ऑलमोस्ट है, लेट्स सी 2 मिनट के अंदर हमारे पास और कितने प्लेन आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्रेजी कि एक इधर से आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चार ऐसे चार इकट्ठे प्लेन आ गए, उसके बाद फिर शांति हो गई, यू नो। ओविका 2 डेल्टा एंड अवैनिका हमारे पास दो हैं यहाँ पे, तो दो इकट्ठे जो है वो सेंड करते हैं, क्योंकि उसके पीछे मुझे एक और अमेरिकन भी नजर आ रहा है। लेट्स गो, वेट अ सेकंड दो सेंड करने हैं, उसके बाद अमेरिकन एयरलाइन का भी लिखते हैं। टाइम कितना बचा है मेरे पास, टाइम 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 एक मिनट है अभी भाई, मजा आ गया। कितनी लीड है बताऊं अभी इसकी आपकी, लेट्स गो बॉयज लेट्स गो। और यहाँ पे हर्ष भाई कितने प्लेन हमने सेंड कर दिए ऑलमोस्ट, इसका मतलब है कि एवरेज मेरे जेन में था कि हमारे पास यहाँ पे ना कोई 15 प्लेन लैंड हो। ओके वी गॉट द डेल्टा वन अगेन,
लेट्स गो बॉयज, ये लास्ट फोन होगा, ये इसके बाद अभी हमारे पास 30 सेकंड है, लेट्स सी 30 सेकंड में अगर कोई और प्लेन लैंड होता है तो हो जाएगा लेट्स सी 30 सेकंड के अंदर कोई हमारे पास वो चीज आती है, कोई प्लेन, छोटा मोटा, प्राइवेट जेट, बड़ा जेट, मसला वाला क्या है, मजे की बात मैं आपको बताऊं। अजय भाई मजे की बात यह है कि जब आपने बोला ना कि मुझे प्लेन चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा मैं सेंड जो है ना वो करूंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा ये मैं आइडिया सोच रहा हूँ, मैं क्या आइडिया ऐसा कोई हो कि बंदा ना क्रेजी किस्म का आइडिया जो पहले किसी ने इस तरह ना किया हो। मैंने कहा लेट्स गो टू द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट जाना तो वापस है, एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के करते हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई जल्दी से जो है ना वो चेकआउट करते हैं और चेकआउट करके निकलते हैं। और यहाँ पे गाइस अगर आप लोग देख सके तो हमारे पास साउथ वेस्ट का एक और जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लेन लैंड हो रहा है, नॉर्मल प्लेन है, और इसके बाद डेल्टा का हमारा प्लेन यहाँ पे जो है वो डिपार्चर हो रहा है। एंड ओवर टाइम इज गेटिंग ओवर ऑलमोस्ट इन 10 सेकंड, सो 10 सेकंड का हम वेट करते हैं, उसके बाद फाइनल जो है वो हम प्लेन सेंड करेंगे। लेट्स सी हर्ष भाई को फाइनल जो है वो हम कितने प्लेन सेंड करते हैं। लेट्स गो 8 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, दो मोर प्लेन जो है वो हर्ष भाई को हो गए। हर्ष भाई इसमें कोई आप मैसेज बताना चाहें? लेट्स गो, चलें जी हर्ष भाई, ये प्लेन अभी तक उड़ा नहीं है लेकिन मेरे को लेट्स सी, देयर वी गो हर्ष भाई। हर्ष भाई हैप्पी और व्हाट, थैंक यू, कहां तक पहुंच गए हैं, कहां तक पहुंच गए? वेरी मच, 25 मिलियन की लीड है, 25 मिलियन। अरे नाइस नाइस, जी 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 जी, नंबर 1 पे। लेट्स गो There we go guys. It was a crazy idea कि जो कि मेरे जहन में था, मैंने कहा इसको जो है वो अचीव करते हैं। आप लोगों को कैसा ये आइडिया लगा? एंड मेकिंग अ वीडियो ऑन अ एयरपोर्ट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों के क्या थाट्स हैं इसके बारे में। एंड अगर छूचे छूचे हैं आप लोगों के पास तो भाई को भी सेंड कर दो, आपका भाई अभी जो है वो लॉबी के लिए भी कम्पीट कर रहा है, तो आपका भाई जो तीसरे नंबर पर पहुँच गया यार, क्या बोल सकते हैं। लेकिन चेक करो अभी जो है हमने वीडियो जो है ऑफ किया हर्ष भाई को, एंड वी गॉट द एयर फ्रांस राइट ओवर देयर। डैंग इट, क्या कह रहे हो मालिक। वेल देयर वी गो गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस ऑसम क्रेजी आइडिया वीडियो। इफ यू डू सो आई वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस, देन डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, डू व्हाट यू गॉट टू डू, एंड आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।